हाँ, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और आर ट्रू? सब्जेक्ट क्या है? सर केमिस्ट्री है ओके okay. सर. वो एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू, सर चार दिए थे कि फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड और ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड. मैंने लिखा था ओके सर फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड और फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड. ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट थे सर, फिर भी मेरे मार्क्स कट गए हैं इस क्वेश्चन में. टीचर क्या बोल रही है? सर टीचर ने अभी रीजन नहीं दिया इसका. ओके, क्लोरीन गैस रिलीज होती है, दैट इज ट्रू. और सिल्वर का थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, दैट इज फोटो डिकम्पोजिशन होता है, नॉट थर्मल, फोटो डिकम्पोजिशन होता है, दैट इज यस ऑल्सो ट्रू. सर. ओके, मैं जब चैप्टर ये कराऊंगा ना आपको, जब हम साइंस चैप्टर करेंगे तो आई विल एक्सप्लेन. अंतरिक्ष की भी कुछ गलतियां हुई हैं. राजवर्धन, सब लोगों ने अपना वो ले लिया ना टीचर से? यू गॉट योर दिस थिंग नाउ? मिल गया जैसे मिल गया सब सब रेडी रखना, जब मैं डिस्कस सब. डिस्कस करूंगा उसको साइंस वाले को, फिर चैप्टर को 1 या 2 दिन में करूंगा, तो उस वक्त सारे के सारे क्लैरिफिकेशन दूंगा. ठीक है, नोट करके मार्क्स रखो. पढ़ के बता दूं हाँ बताओ. सर, मेरे हिंदी में 31 आए हैं ओके सर, साइंस में मेरे 30 समथिंग अराउंड थे सर, 30 पॉइंट समथिंग अराउंड थे साइंस में, ओके ओके 30 थे. और सर इंग्लिश में मेरे 31 है इंग्लिश में भी, और सर लेकिन मैथ्स में बहुत कम है, लेकिन मैथ्स में कैसे कम हो गए? कितने सर हैं? 29. 20? 29 हाँ यार, ये तो मुझे उम्मीद नहीं, तो बहुत कम तो नहीं, पर हाँ कम है. इट इज 75% से भी कम है. मेरे ख्याल से तो आ तो सकते थे, कुछ सिली मिस्टेक हुई होंगी, चेक करेंगे. अंतरिक्ष के 39 यस आए. सर. अंतरिक्ष आप बाकी सब्जेक्ट के भी चेक करो अपने, मुझे बताओ. अचिंत्य, आपके कितने किसके मार्क्स आए? मार्क्स बताने हैं? ये इन लोगों का प्री मिड टर्म हुआ ना अभी, तो मार्क्स आए हैं. अचिंत्य आपके मार्क्स बताओ. कबीर, गुड इवनिंग. सर मेरे मार्क्स हाँ सर मेरा इसमें मैथ्स का मैं सर आपको भेज चुका हूँ सर. इसका आया है इंग्लिश का आया है सर, 32 है सर इंग्लिश का. और साइंस का नहीं, साइंस का यस सर, साइंस का सर मेरा है 30 है. ओके सर ठीक है, हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं. और बाकी किसी सब्जेक्ट के पता चले? बाकी किसी सब्जेक्ट के पता चले? अभी SST के तो पता नहीं चले सर, ना हिंदी के पता चले. यस ओके, जिस पता चलते मुझे बताना. सर. ओके ठीक है. अंतरिक्ष आप भी चेक करो अपने जो आगे मार्क्स में, सबसे शेयर शेयर कर दो लोग. चलो शुरू सर करते हैं. अभी तक तो जो बताया वही आया है, और तो कोई आया नहीं. ओके, ये अलग अलग सेक्शन वाइज दे रहे क्या अभी? राजवर्धन के सारे आ गए. सर मेरे तो रोक के रखा था सब, बस तक बच्चों को बस में भी जाने गया था, दे रहे थे. ओके ठीक है, चलो. ओके दोस्तों, मैं आई एम ओपनिंग अरिहंत का क्वेश्चन बैंक, MCQ Term 1, लेटेस्ट सिलेबस वाला जो है. ओके, उससे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे. इफ यू रिमेम्बर, दिस चैप्टर इज अबाउट द केमिकल सिंबल्स, केमिकल इक्वेशंस. किस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, किस किस तरह की इक्वेशंस होती हैं, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन में 3 तरह की हैं. थर्मल डिकम्पोजिशन हीटिंग पे, जब जब भी हीट करते जनरली H2O निकल जाती. और दूसरा होता है फोटो डिकम्पोजिशन, जो अभी ये सिल्वर क्लोराइड वाला एग्जाम्पल जो है, AgCl वाला. और एक होता है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, इन विच इलेक्ट्रोलाइसिस सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन इंटू टू पार्ट व्हेन यू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट. ये होगा. उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बात करेंगे इसमें. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एवरीबडी नोज, एसिड प्लस बेस विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर. उसकी रिएक्शन आएंगी. फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन आएंगी. ऑक्सीडेंट रिएक्शन और रिडक्शन, उसके बारे में बात करूंगा मैं. और जो कई बार जो होती है रिएक्शंस, उसके अंदर दोनों चीज एक साथ होती हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, उनको रिडॉक्स बोलते हैं. और उसके बाद एक और टाइप की रिएक्शन आपके आएगी, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी थी पूरी. एक्टिविटी सीरीज के हिसाब से जो भी ऊपर होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, और नीचे वाला अगर कोई बंदा सॉल्ट बना के बैठा हुआ है, CuSO4 बैठा हुआ है, उधर से आ गया तुम्हारा आयरन, ग्रीन कलर का आयरन,
और ब्लू कलर का सिल्वर कॉपर सल्फेट बैठा हुआ है, आयरन कॉपर को किक मार के भगा देगा उधर से, ज्यादा पावरफुल है, खुद बैठ जाएगा। तो जो आपका सोल्यूशन जो पहले ब्लू था वो धीरे धीरे ग्रीन होता जाएगा और कॉपर जो है नीचे बैठ जाएगा प्रेसिपिटेट बन के। ये होगी। और एक एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके अंदर दोनों कैटायन जो है वो चेंज हो जाते हैं, स्वैप कर जाते हैं, दोनों ने एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया होता है। ये तो इस तरह की रिएक्शंस के बारे में इसमें चैप्टर में है। ओके अरिहंत क्वेश्चन बैंक चैप्टर 1 MTG। एक्सक्यूज हाँ जी सर, इन माय प्री बोर्ड एग्जाम सर, फर्स्ट क्वेश्चन में आई हैड वन डाउट हाँ पूछ 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 पूछ। सर। इस क्वेश्चन में ना सर, आई विल सेंड द पिक्चर, बट आई थिंक द अब पढ़ के ऑप्शन बता दे, एक बार पढ़ के बता दीजिए। सर लिखा है HCl प्लस हाँ जी NaOH हाँ जी गिव्स अस NaCl प्लस H2O प्लस हीट NaCl प्लस H2O प्लस प्लस हीट। हीट अच्छा हाँ हाँ आंसर इधर बोला है द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ अ फर्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट, सेकंड न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मल, है ये, न्यूट्रलाइजेशन। यस सर, थर्ड न्यूट्रलाइजेशन, एंड फोर्थ लिखा ऑल ऑफ द अबव। बिकॉज सर इधर न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और हाँ हीट भी निकल रही है, हाँ सो इज माई आंसर करेक्ट ऑल ऑफ द अबव? बिकॉज सर अभी टीचर ने डिस्कस नहीं किया ये वाला क्वेश्चन पेपर। मुझे ध्यान नहीं, कहीं मैंने हीट देखा हो कभी HCl और NaOH की जो रिएक्शन में, इतना तो मुझे याद है कि ये तो सॉल्ट और वाटर नहीं में। सर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट निकलती है। ओके ठीक है, तो आई थिंक ऑल ऑफ द अबव शुड बी राइट आंसर, ऑप्शन डी शुड बी राइट। सर क्वेश्चन ज्यादा NaCl NaOH प्लस HCl चैप्टर 1 अरिहंत MCQ कहाँ है भाई, चैप्टर 1 अरिहंत MCQ MCQ 1 क्वेश्चन बैंक। ओके हाँ खुल गया, चलो ओके अभी मैं साथ साथ जैसे मैं प्रेजेंट करूंगा उसके साथ साथ ठीक है। मेरे को लग रहा है कार्तिक कि आपका आंसर सही है। ओके गाइस ओके सर। अरे जस्ट पे अटेंशन, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री साइंस। एक क्वेश्चन था सर, या गो अहेड गो स्टेट अहेड गो अहेड। द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर नेचुरली अकरिंग क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स। ऑप्शन है एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, इलेक्ट्रोलाइटिक, डी नन ऑफ द अबव। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक डी सी क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक, लाइटिंग। देखो जो भी हमें ओर मिलते हैं उसमें ज्यादातर कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, उसको सही करने के लिए हम दो तरह के मेथड अपनाए जाते हैं। एक होता है हम उनको ऑक्सीडाइज कर देते, रिड्यूस कर देते, रिड्यूस करके ऑक्सीजन निकाल लेते उसमें से, और क्लोराइड वाले के अंदर हीट करते हैं तो क्लोराइड क्लोरीन निकलती है। और तीसरा ऑप्शन बता, थर्ड ऑप्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोलाइटिक तो नहीं है, जस्ट सर, खुल लेकिन गया। वही मेरे को भी लगा था, लेकिन सर आंसर इलेक्ट्रोलाइटिक ही है। ओके एक मिनट रुको, शोभ नहीं नहीं अच्छा ये दिस इज चैप्टर 3 होना चाहिए, ये जो मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर है और ओर वाला जो है। ओके कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ मेटल टू मेटल ऑक्साइड, हाई रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। सर, फर्स्ट चैप्टर का है ओके एक है मेथड जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है, इसका एग्जांपल है कॉपर। मेटल ऑक्साइड फॉर एक्सट्रैक्शन इज ऑफन स्मॉल वैरायटी प्रोसेस इज कॉल्ड रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। कॉपर जिंक स्टील सिल्वर आर रिफाइंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक, ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल मेड इन स्ट्रिप। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक तो खैर आउट ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है
रिफाइनिंग दिया आंसर कहाँ से लिया क्वेश्चन ये? सर शोभित निर्वाण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एमसीक्यूज ने अभी बनाया। आंसर भी दिया उसमें यस सर सब कुछ है, मतलब पहले नोट्स है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 25, 29 अरे जिसमें से है वो मुझे पता, मैंने भी तो भेजे तुम लोग शोभित नारायण के। यस सर। ओके दोस्तों यार इधर ध्यान दो, अभी चैप्टर वन में क्या क्या है अपने पास। केमिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट एक साइड होते हैं, प्रोडक्ट दूसरी साइड होते हैं। उसके बाद केमिकल रिएक्शन के अंदर तीन चार चीजें होती है, इससे पता चलता है केमिकल रिएक्शन। नया नया प्रोडक्ट बनेगा, न्यू प्रोडक्ट विल बी मेड। सेकेंडली सम हीट विल बी इवॉल्व, सम गैस में बी इवॉल्व, सम लाइट में कम आउट, न्यू प्रोडक्ट विल बी क्रिएटेड। ओके और टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, या तो अप जा सकता है या डाउन जा सकता है। एंडोथर्मिक में हीट बाहर निकलती है, सॉरी एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलती है, एंडोथर्मिक हीट अंदर जाती है सब्सटेंस के अंदर। ओके केमिकल रिएक्शन होगा, बैलेंस केमिकल रिएक्शन की बात हो गई। एक पर बड़ा कर लेता हूँ। कबीर आपको नजर आ रहे नोट्स? ओके यस मैं सर। आएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो रिएक्टेंट ने मिलके एक प्रोडक्ट बनाया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का उल्टा होता है, एक है प्रोडक्ट जैसे आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको आपने हीट किया, हीट करने से उसकी ऑक्सीजन निकल जाएगी और उसके अंदर आपको आपको सीओ बच जाएगा, या नहीं कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, सीओ प्लस सीओ टू मिलेगा, दैट इज डीकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन का अपोजिट डीकम्पोजिशन। ओके फिर आगे डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन तीन तरह का हो गया, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटो। फोटो का एक ये फेमस रिएक्शन ये की ज्यादा बार बार आता है, एजीसीएल वाला, धूप में क्या होता है अलग अलग, तो इसीलिए इसको हमेशा क्या इस बॉटल में रखा जाएगा, कलर्ड बॉटल में रखा जाएगा। इसी से रिलेटेड एक और वर्ड, एक और रिएक्शन आपसे पूछी जाती है, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। H2O2 को भी अगर आपको लाइट मिल जाएगी तो सिर्फ ब्रेक इनटू H2O+O2, ये डिकम्पोज हो जाएगा, तो दिस कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन। तो ऐसे फोटो डिकम्पोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कलर्ड बॉटल वाला, बॉटल कलर्ड या होगी या ओपेक होगी, यानी कि उसके अंदर लाइट नहीं जानी चाहिए। ओके छोटा सा यहाँ साथ के साथ, ओके रिडॉक्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं, रिडॉक्स और क्या होता है, ज्यादातर एक रिएक्शन जिनके अंदर रिडक्शन होता है ऑक्सीडेशन भी हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन इज नंबर वन गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। सो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाए और H2O बनाए, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गई है तो हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ओके तो देखते गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ नेगेटिव आयन, तीसरा लॉस ऑफ पॉजिटिव आयन, फोर्थ लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ये चारों चीजें जब होती हैं हाइड्रोजन, तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिडक्शन किसको बोलते हैं, इसका उल्टा, रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन नंबर टू, लॉस ऑफ नेगेटिव आयन, तीसरा गेन ऑफ पॉजिटिव आयन, फोर्थ गेन ऑफ हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं रिडक्शन। इस रिएक्शन के अंदर देखो हाइड्रोजन हो गया ऑक्सीडाइज्ड, लेकिन ऑक्सीजन को गेन हो गया हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन होता रिडक्शन, तो ऑक्सीजन रिड्यूस हो गई, रिड्यूस्ड। तो क्योंकि ऑक्स भी हो रहा है रेड भी हो रहा है रिडॉक्स, तो ये वाली रिएक्शन रिएक्शन क्या बोली जाएगी, दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके अंडरस्टूड, कई जगह काफी तुम्हें कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन बेसिक प्रिंसिपल अपना ये है। सपोज करो हाइड्रोजन को हमने क्लोरीन से कंबाइन किया और हमें HCl मिल गया। अब देखो हाइड्रोजन को एक नेगेटिव आयन मिला है, क्लोरीन नेगेटिव होता है, Cl माइनस,
हाइड्रोजन को नेगेटिव मिला है तो गेन ऑफ नेगेटिव, तो हाइड्रोजन क्या हो गई, ऑक्सीडाइज्ड हो गई। क्लोरीन को पॉजिटिव आयन मिल गया हाइड्रोजन का, ये हो गया रिड्यूस्ड, तो ये रिएक्शन क्या बन गई, ये रिएक्शन बन गई रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को, ज्यादातर रिएक्शन आपको रिडॉक्स मिलेगी, बहुत कम रिएक्शन ऐसी हैं जो कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अकेले अकेले कर रही, सिंपली कर रही अकेले। ये देखो जैसे यहां पे एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल दिया हुआ है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन। अभी कॉपर ऑक्साइड, कॉपर को, कॉपर अलग हो गया, वाटर बन गया। नाउ कॉपर से ऑक्सीजन ले ली गई है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो कॉपर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कॉपर रिड्यूस हो गया। और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, तो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ व्हाट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और व्हाट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, भाई जो ऑक्सीडाइज करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल इस वाले केस में देखो, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज हो गया है, किया किसने, क्लोरीन ने किया, तो क्लोरीन बिकम्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अंतरिक्ष समझ में आ रहा है, यस सर, इनका समझ में आ रहा है। अब ये क्लोरीन जो हुआ ये रिड्यूस हुआ, रिड्यूस किया किसने, हाइड्रोजन ने किया, तो हाइड्रोजन बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। चलो आगे, और जरूरत पड़ेगी तो समझाऊंगा और। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा रिड्यूस। अच्छा, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक मैंने बता दिया, एक्सो का मतलब तो बाहर निकलना, पिक्चर हॉल में जाते हैं अपन, मान एक्सिट लिखा रहता है वहां से हम लोग निकलते बाहर, तो एक्सो मतलब बाहर निकली, जिसमें हीट बाहर निकल रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक्सोथर्मिक। एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, चूना जो होता है उसको पानी में डालते हैं अपन, बुलबुले आने लगते हैं एकदम से, बहुत ज्यादा हीट निकल जाती है, दैट इज एक्सोथर्मिक। सॉल्ट अपना वाटर के अंदर अगर हम एसिड मिलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, कॉन्सेंट्रेट एसिड, तो हीट जनरेट होती है, सो दैट इज एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर की हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, वहां ठंडा हो जाता है, चारों तरफ ठंडा हो जाता है। ये देखो मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करना पड़ेगा, तब जाके मर्करी और ऑक्सीजन अलग अलग होंगे, हीट देनी पड़ेगी उसको। करोजन की हमने बात की थी, तीन तरह के करोजन है। जो आयरन का क्रोजन है उसको रस्टिंग बोलते हैं, आयरन के क्रोजन का सबको याद होगा फॉर्मूला क्या है, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O विल गिव यू Fe2O3, आयरन टू ऑक्साइड, और साथ में वाटर जो है क्रिस्टल वाटर, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन वाटर, क्रिस्टलाइन वाटर यानी कि वाटर इसके साथ केमिकली कंबाइन नहीं है लेकिन इसके साथ यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर जुड़ा हुआ है। एक्स क्यों लिखा हमें नहीं पता कितना है, अगर तो आसपास ह्यूमिडिटी कम होगी कबीर, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी जैसे कि राजस्थान का इलाका है तो वहां जो जंग लगे वो ड्राई होगा, थोड़ा सा राजस्थान में ड्राई होगा, और बॉम्बे में कैसा होगा, जो जंग लगेगा सी के पास जो जगह होती है वहां पे नदी रहती है, मॉइस्चर तो वहां का जो जो रेस्ट होगा वेट होगा, थोड़ा गीला गीला होगा, इसलिए एक्स लिखते हैं यहाँ पे, कभी ज्यादा कभी कम। मुझे कबीर की आवाज नहीं आई अब तक, तो एक बार भी कबीर, सर। हाँ तुम्हारे समझ में आ रहा है कुछ के नहीं। हाँ जी सर, आ रहे रस्ट, इसको बोलते हैं रस्ट, तो आयरन वाला तो होता है रस्ट, फिर कॉपर वाला है, कॉपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, कोरोजन। कॉपर का क्या है, कॉपर कॉपर एयर से ले लेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और बनाएगा CuOH2.CuCO3 एंड दिस इज कॉल्ड, दिस इज ए ग्रीनिश सब्सटेंस विच इज कॉल्ड कॉपर का कोरोजन ऑफ कॉपर। एक और कोरोजन है पर वो कोरोजन नहीं मत मालूम मानते उसको, बेसिकली वो होता है सिल्वर, वो एटमॉस्फेयर से सल्फर ले लेगा, सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और बनाएगा Ag2S, सिल्वर सल्फाइड, नहीं सल्फाइड का दो, हाँ Ag2S ये बनेगा, और इससे सिल्वर के ऊपर एक डल कोटिंग हो जाती है, डल,
सिल्वर की जो चमक हो जाती है वो खत्म हो जाती है। एक एक एल्यूमिनियम का भी है, एल्यूमिनियम का भी ऑक्सीजन से मिलके Al2O3 बनाता है और इसको बोलते हैं हम एनोडाइजेशन। जब हम बर्तन के ऊपर करते हैं इसको तो बोलते हैं एनोडाइजेशन। थोड़ा सा रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ ताकि अभी क्वेश्चन पे जाए। मोर इम्पोर्टेंट इज क्वेश्चन शुड नॉट स्केयर यू। ओके, उसके बाद एक चीज वर्ड आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से घबराना नहीं, रेंसिडिटी बेसिकली क्या होता है, खाने में जो ऑयल होते हैं, जैसे सूखी रोटी है एक दिन तक खराब नहीं होती, पराठे में से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी तुम्हारी, अगर हीट में छोड़ोगे तो बदबू आने लगेगी, उसको बोलते हैं रेंसिड हो गया। रेंसिडिटी मतलब जैसे यू कैन कॉल फैट और ऑयल डिटेरियोरेट एंड स्मेल फाउल। चलो, एक्सक्यूज मी सर, सर हाँ जी राज बोल। इसमें कलर भी चेंज हो जाता है ना सर? कलर भी चेंज हो जाता है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है, कलर पे कम ध्यान देते हैं जो मैं जहां भी मैंने पढ़ा है, लेकिन स्मेल पे और टेस्ट पूरा चेंज हो जाता है, बिकॉज दैट कन्वर्ट्स इनटू सम अदर सब्सटेंस। ऑलराइट सर। ओके चलो भैया, क्वेश्चन अभी करना शुरू करते हैं। ऑलराइट, रीड द क्वेश्चन नंबर वन एंड गिव मी द आंसर। चलो हम लोग अपना रेडी रख लो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर। सर आंसर डाल दें। या सर डाल दें आंसर। ओके, रुको मैं लाइन डालता हूँ, मैं लाइन डाल रहा हूँ। ओके, पोस्ट योर आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, स्टोरी ऑफ गैस अंडर प्रेशर। अरे यार कमाल कर रहे हो तुम लोग, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। ये हाउ 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 इज इट पॉसिबल कबीर कि हमने गैस को सिलेंडर में डाल के स्टोर कर लिया, हाउ कैन दैट बी केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन में तो नया कंपाउंड बनना चाहिए ना कुछ। कबीर गलत, ये डबल डबल डाल रखे लोगों ने, प्रथम ने भी सी डाल रखा, पता नहीं क्यों प्रथम सी कैसे हो जाएगा। कीपिंग पेट्रोल इन सर चाइना पेट्रोल फिशिंग द इवापोरेट, ओपन, सर तो इवापोरेट एवेपोरेशन इज अ फिजिकल चेंज, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस, इट इज ऑल फिजिकल चेंजेस। सर, लेकिन क्यों, वापस पेट्रोल तो ना ला सकते हैं? अगर वो वेपर है उसको हम वापस ठंडा कर देंगे या प्रेशराइज कर देंगे, वापस पेट्रोल बन जाएगा वो। तुम ना जो छोटे सिक्स और सेवन्थ वाले सोचते हैं ना रिवर्सिबल, रिवर्सल से कुछ लेना देना नहीं है केमिकल रिएक्शन का। सब बच्चों को क्या लगता है, पेपर फट गया अब तो केमिकल चेंज हो गया कि रिवर्स तो नहीं होता। अरे ऐसा नहीं भाई, केमिकल चेंज का सबसे बड़ा टेस्ट है कि क्या नया प्रोडक्ट बना। हाँ बना तो हाँ, नहीं, लकड़ी को काट दिया बीच में तो केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो फिजिकल रिएक्शन। इसका ऑप्शन है भाई, कॉपर वायर को जब जलाओगे ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो आपको मिलेगा कॉपर ऑक्साइड, विच इज ए न्यू सब्सटेंस, विच इज ए न्यू सब्सटेंस एंड दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो लेट मी सी हु हैव गॉट, या एक मिनट फुल स्क्रीन करता हूँ, एक मिनट, या आई कैन सी मोर मैसेजेस। सो राजवर्धन करेक्ट, प्रथम रॉन्ग, अंतरिक्ष करेक्ट, विराज करेक्ट, कार्तिक करेक्ट, कार्तिकेय मिश्रा, आई होप यू अंडरस्टूड, भव्या करेक्ट है आपका। यस सर हाँ ओके ओके गाइस, लेट्स गो टू सेकंड क्वेश्चन नाउ। ओके, यू गाइस कैन सी सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट अंडरस्टूड। इन। ओके सर वी कैन सी इट सर। ओके प्लीज प्रिपेयर आंसर, आई विल सेंड, आई एम सेंडिंग द लाइन। सर वी कैन नॉट सी इट सर। अच्छा यू कैन नॉट सी इट, ओके एग्जिट फुल स्क्रीन। ओके वो शेयर नहीं है, शेयर नहीं मैं कर रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, चलो देखो इसको, देखो अभी
नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज कंजर्व्ड इन एनी केमिकल रिएक्शन, मतलब जितने एटम है। अब तो ऐसे है ना, क्वेश्चन को पढ़ के अपने से बात करा करो, हिंदी में बात करो, पंजाबी में बात करो, जो तुम्हारी लैंग्वेज, जो तुम्हारी मदर टंग है, मादरी जबान उसको बोलते हैं, उसमें अपने आप से बात करो, क्या कह रहा है ये? ये कह रहा है यार नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के जो है ना वो कंजर्व होते हैं केमिकल रिएक्शन में, बात सही है कि गलत है? आंसर डाल दें। हाँ ठीक है, इस तरह से अपने आप से बात क्या करो, आसानी रहेगी तुम लोगों को। ओके पोस्ट योर आंसर प्लीज। ओके इट इज ट्रू, नॉट अ सिंगल एटम कैन बी डिस्ट्रॉयड, ऑल एटम्स आर देयर। भाई यार क्यों आंसर क्यों नहीं आ रहा है? हो गया, आपका आंसर नहीं आया, रवि का आंसर आ गया। रवि रवि यार यस इनका सर। आंसर डालो, सब लोग आंसर डालो यार, नहीं आता तो आईडी के लिखो चुपचाप। ओके राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द मिसिंग वेरिएबल गिवन एज एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके दोस्तों अब देखो ये मजेदार बात है। लेड है, लेड नाइट्रेट एक्वस है, पानी में घुला हुआ, एक्वस क्या होता है, डिजोल्व इन वॉटर इज एक्वस, एंड साथ में दिया है पोटेशियम आयोडाइड। अब हमें जो मिलेगा वो दोनों के दोनों क्या होंगे, एक्वस, ये सब बातें तो अब याद करनी पड़ेंगी, इसको समझाने के कोई तरीका नहीं। सर बताओ। सर ओके प्रेसिपिटेट बताओ। रिएक्शन ना। सर वही सर प्रेसिपिटेट रिएक्शन होगा। सर होगा तो दोनों के दोनों एक्वस होंगे या सॉलिड होगा, प्रेसिपिटेट हो एक गया होगा। सॉलिड एक एक्वस। यस सर। ओके एक सॉलिड और एक एक्वस, तो सोडियम नाइट्रेट शुड बी एक्वस एंड लेड आयोडाइड शुड बी सॉलिड, ऑप्शन सर डी इज द राइट आंसर। ओके मैं पूछ लिया, मैं यस बता रहा हूँ सॉरी। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, कॉपर है और कॉपर के साथ, अच्छा ये तो बैलेंस रिएक्शन, बैलेंसिंग रिएक्शन बताओ यार कितनी होगी। कॉपर हो गया जो टू, ओके टू, अच्छा सर एक्स इज इक्वल टू टू एंड हाँ आई थिंक वाई इज अच्छा नॉट अच्छा शुड बी इक्वल ओके टू ओके थ्री। ओके एक मिनट एक मिनट भाई, तुम सबको ध्यान होगा मैंने बताया था तुम्हें कि जब भी कोई मेटल रिएक्शन करती है एसिड के साथ तो हमें हमेशा सॉरी एसिड कह रहा हूँ, हाँ रिएक्शन करती है तो H2 गैस रिलीज होती है, हमेशा होता है ऐसा, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये जितनी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो अगर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगी तो वाटर बन जाएगा, ठीक है, और साथ में एक या तो NO बनता है या NO2 बनता है, ठीक है ये वो वाली रिएक्शन है। अब ये बैलेंसिंग तो आसान काम है, कर लोगे ना बैलेंसिंग, कोई दिक्कत तो नहीं है, शुड आई गो टू हाँ नेक्स्ट सर क्वेश्चन? कर यस लेंगे बैलेंसिंग तो हो सर। जाएगी। यस सर। ओके क्वेश्चन यस नंबर 5 प्लीज रीड। ओके पढ़ के अपना आंसर रेडी रखो। अच्छा लाइन के बाद डालना है ना। मैं सब भेज रहा हूँ लाइन। पोस्ट फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ, ओके क्या क्या हो रहा है देखो दोस्तों, रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड है, चूना चूना और पानी मिला दिया उसके अंदर, तो वो बन गया अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, पहली बात कॉम्बिनेशन तो हो ही गया, दूसरी बात मैंने अभी बताया था कि इसके अंदर हीट निकलती है, तो ये हो गई, तो सेकेंड एंड फोर्थ शुड बी द आंसर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी टू जो कह रहे हो गलत हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि अभी भी मैंने बताया था कि चूने के अंदर जब पानी डालते, पानी में सर चूना मैंने डालते ना नीचे वाला वो देखा ही नहीं। ABCD मैंने 1 2 3 भाई,4 इसको बोलते हैं मल्टीपल, एक तो स्टैंड अलोन एमसीक्यू होते हैं, एक मल्टीपल एमसीक्यू होते हैं, इस पर ध्यान रखना है एग्जाम में प्लीज। ओके ये सिली मिस्टेक नहीं करनी, प्रथम यार अभी बोर्ड के लिए साला 20 दिन नहीं बचे।
ओके नेक्स्ट, फेरस सल्फेट क्रिस्टल लूज वाटर, ये बड़ा फेमस वो है, फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं वो पानी उनका चला जाता है, और हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर लॉस्ट, एनीबडी? तुम लोगों को याद करनी पड़ेंगी ये रिएक्शन सब, सेवन मॉलिक्यूल्स होते हैं, Fe SO4 फेरस सल्फेट होता है, इसके साथ 7 H2O जुड़े होते हैं, और जब हम इसको हीट करेंगे ना तो ये बन जाएगा फेरस सल्फेट एंड प्लस 7 H2O, इसका आंसर इस H2O7। अच्छा इसको क्या बताया, बोलते हैं इसको, ये जो इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड ध्यान रखना, छोटे छोटे वर्ड जो है आपको एग्जाम में परेशान कर सकते, कहते क्या है नॉर्मल कॉमन नेम, हाँ इसका कुछ होता है नेम, राइट ना बता दूंगा अभी, मैं बता दूंगा, ओके नेक्स्ट अभी बता दूंगा इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन प्रोड्यूसेस, लाइमस्टोन क्या है सबको पता भाई? यस सर, मैंने बताया था लाइमस्टोन के तीन रूप होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होता है लाइमस्टोन, मार्बल और चूना पत्थर, चौक और जैसे अंडा जो होता है, अंडे का बाहर का जो कवरिंग होती है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ तो अगर मैं इसको हीट करूंगा भाई क्या क्या निकलता है, ध्यान है सबको, बहुत अच्छे बहुत इजी रिएक्शन है ये। नहीं याद सर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, नो 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 नॉट ऑक्सीजन सर, कैल्शियम, सर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ओके तो ये रिएक्शन है क्या, देखो यार ये देखो ध्यान दो, CaCO3 इसको हीट किया जाता है फैक्ट्री के अंदर एंड यू आर लेफ्ट विद CaO डीकंपोजिशन रिएक्शन प्लस, हाँ ये डीकंपोजिशन प्लस CO2 सर, थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन होता है। सो अच्छा दूसरा, अब ये जो चूने के नाम याद कर लो, चूने के दो तीन नाम है, कैसे ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको बोलते हैं हम क्विक लाइम, क्विक लाइम, लाइम वो नींबू वाला लाइम नहीं है ये, चूना है, इसको बोलते हैं, एक होता है CaOH2 उसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, अगर वो स्लेक लाइम पानी के अंदर डूबा हुआ है तो एक्वस बोलेंगे उसको, और अगर ड्राई है तो उसको बोलेंगे ड्राइड स्लेक लाइन। भाई मेरी बातें समझ में आ रही, सर के ऊपर से तो नहीं जा रही? ओके क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें। ओके रवि आप क्वेश्चन पढ़ दो एक बार। यस सर, द फॉर्मेशन ऑफ क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एग्जांपल ऑफ ए फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन, बी थर्म, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं 8, ओ सॉरी सर मैं 9th पे चला गया, गलती सॉरी, 8 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर, ट्रू फॉल्स, कांट से पार्शियली ट्रू फॉल्स, फॉल्स। ओके यहां एक एक, एक सेकंड के लिए मेरे को एक पॉज करना है पड़ेगा, इसको ना इसको इस, ये जो आइटम है इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल, ध्यान रखना ग्रीन कलर हमेशा आयरन से रिलेटेड है और ब्लू कॉपर से रिलेटेड, ग्रीन विट्रियोल, ओके हाँ तो भैया ये था कार्बन डाइऑक्साइड, ओके आंसर करेंगे मेरे लाइन भेजने के बाद, लाइन भेजने के बाद दोस्तों, ओके गो। अरे एफ वगैरह मत लिख राजवर्धन, हैबिट बना ले यार अभी से ऑप्शंस पे काम करने की, yes. ठीक है हाँ, नहीं तो वहां वहां पे थोड़ी टाइम मिलता है यार एग्जाम में, सब वैसे कंफ्यूज रहता बच्चा और कंफ्यूज आ जाओगे, तो जितना अपने आप को उस माहौल के लिए तैयार कर सको उसको तैयार करके रखो अभी से। ओके विराज ने लिखा है ट्रू, विराज ने ट्रू लिखा है, ओके और राजवर्धन ने कबीर का बी है, ठीक है विराज, कार्तिक के बी, अंतरिक्ष बी, बिल्कुल बिल्कुल सही है।
एक्चुअली हाइड्रोजन गैस होती है जो टॉप साउंड के साथ जलती है, हाइड्रोजन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कोई बताएगा मेरे को? ये सर लाइम वाटर सर, लाइम वाटर के दूसरे पास होता है तो उस पे वाइट प्रेसिपिटेट, नहीं वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनता। हाँ मिल्की हो जाता है, सम टाइप ऑफ वाइट पार्टिकल। वो जो कलरलेस है, जो कलरलेस वो मिल्की हो जाता है, और अगर ज्यादा मिल्की हो जाएगा COH प्लस CO3 विल मेक CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है? वाइट कलर का होता है। ओके और भव्या, इसके बाद थोड़ा सा और इसको आगे एक और स्टेप करते हैं, इसका पता है कि नहीं? मैं बताऊं, अगर काफी देर तक गैस को पास करते रहोगे उस जो मिल्की वाइट वो है, तो क्या हो जाएगा कबीर, क्या होगा फिर? पहले तो कलरलेस था, उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड घुसाई आपने, कार्बन डाइऑक्साइड आपने उसमें घुसाई, तो थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएगा? कबीर कहाँ है? मुझे इसकी टेंशन इसलिए होती है कि इसको मैं अभी ये कितना पता कितना नहीं। हाँ भाई देखो, अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम मुझे बताया करोगे, सर मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता तेरे को कितना आता कितना नहीं आता। हाँ कबीर टेल मी, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट, टेस्टिंग का जो है, जो टेस्ट है वो पता है आपको कैसे होता है? नहीं सर। ओके भव्या, रवि, तो दोस्तों क्या होता है, ये टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का। देखो आप ले लो CaOH2, ये चूने का पानी है, चूने को पानी में मिला लिया आपने, क्विक लाइम से स्लेक लाइम बन गया। अब इसमें आपने CO2 पास करनी है ये देखने के लिए कि गैस CO2 है कि नहीं है। तो अगर आप CO2 पास करेंगे तो थोड़ी देर बाद CaCO3 बन जाएगा, जो कि व्हाइट होता है कलर में, और ये क्योंकि पानी में डूबा हुआ है, एक्वस है, तो ये पूरा सोल्यूशन व्हाइट हो जाएगा। अब थोड़ी देर और आप CO2 डालते रहो उसमें, और साथ में पानी रहे, आपको जो नया प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा सोडियम हाइड्रो कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट HCO3 CaHCO3, ये फिर कलरलेस है। तो पानी जो मिल्की वाइट था थोड़ी देर बाद दोबारा से कलरलेस हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये इसका कंप्लीट हुआ है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। ओके फॉर्मेशन या क्वेश्चन नंबर 9 प्रथम आप पढ़ें। यस सर, द फॉर्मेशन ऑफ क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एग्जांपल ऑफ ए फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन, बी थर्मल डीकंपोजिशन, सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, डी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ भैया बताओ, अभी अभी समझाया मैंने थोड़ी देर पहले, अभी भी डिस्कस किया क्लास में, इसलिए बोलता हूँ कि नोट्स बनाओ, लिखो अपने हाथ से तो याद रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ओके रेडी आंसर सबका? ठीक है मैं चेक करता हूँ। यस सर। सर एक बार क्वेश्चन वापस दिखा दीजिए प्लीज। क्वेश्चन ये है कि आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, आपको मिल गया क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड, ये किस तरह की रिएक्शन है? दोबारा देखो। ओके सर। क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हो गया? ओके यस सर, भेज दिया। राइट गाइस, सभी का आंसर ठीक लग रहा है मेरे को। कबीर अभी आपको समझ में आ गया? जब भी हम हीटिंग से एक ऑब्जेक्ट है, देखो डीकंपोजिशन का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन का अपोजिट। कंपोजिशन में कॉम्बिनेशन दो ऑब्जेक्ट मिलके वाटर प्लस ऑक्सीजन विल मेक वन प्रोडक्ट, तो दो रिएक्टेंट हैं एक प्रोडक्ट है, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है भव्या?
भव्या यस सर ये कॉम्बिनेशन है। अच्छा एक प्रोडक्ट है CaCO3, इसको मैंने हीट कर दिया, अभी ब्रेक हो जाएगा दो में पर CaO प्लस CO2, तो यहां दो प्रोडक्ट बन गए टू, जिसको क्विक लाइम बोलते हैं अपन और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये इसको बोलते हैं डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन कबीर अभी आपको समझ में आ गया होगा? यस सर। और क्योंकि ये हीट की वजह से हुआ है तो इसको बोलेंगे थर्मल डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन तीन तरह का होता है, थर्मल, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं, और तीसरा होता है फोटो, जो कि लाइट से होता है, सूरज की रोशनी से, ये थर्मल वाला है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक थोड़ा सा वर्ड परेशान कर सकता है, आपको नहीं आता मेरे से पूछना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन, मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज, मोल थ्योरी आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ी थी, चैप्टर थ्री, एटम एंड मॉलिक्यूल, उससे तुम्हें याद आ जाएगा मोल क्या होता है। क्या नाम था उस बंदे का जिसने ये वो बताया था, मोल कॉन्सेप्ट दिया था हमें, इटालियन था, फिबोनाची नहीं, कोई दूसरा नाम था उसका, मेरे को याद नहीं आ रहा। एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, उससे रिलेटेड एवोगैड्रो। सर आंसर भेज दिए। ओके भाई, ओके पोस्ट आंसर। बिल्कुल सही है, होगा क्या, मोल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक है, 10-5 मिनट में पहले बोला तुमने। सो H2O जब ब्रेक डाउन होगा, सो यू सी दिस विल बी H2 प्लस O2, बैलेंस कर रहा हूं रिएक्शन को, ऑक्सीजन इधर टू है इधर वन है टू, और अब देखो जब दो मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहे हैं तो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं वन, और हाइड्रोजन के कितने बन रहे हैं टू, सो इनका जो मोलर रेशियो है वो 2:1। ठीक है अंतरिक्ष, आप एक्सिट कर जाओ क्लास से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सार्थक है क्या क्लास में? सार्थक की आवाज नहीं आई मेरे को अब तक। सार्थक नहीं, ओके राजवर्धन आप पढ़ें क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट? ऑप्शन क्या क्या है? KBR, AgBr, MgO, NaCl। ओके बताओ दोस्तों, ऑप्शन रेडी रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिकम्पोज बाय एक्शन ऑफ सनलाइट, कौन सा है जो एक्शन ऑफ सनलाइट से डिकम्पोज होता है? सबको पता है मेरे ख्याल से, तो अब तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। यस लाइन, अरे सार्थक इज देयर इन द क्लास? नो ओके राइट गाइज, कबीर ध्यान रखना जो सनलाइट से अफेक्ट होने वाला कंपाउंड है वो है सिल्वर की कंपाउंड। ओके सो इसका आंसर आएगा AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। हाँ सर, इसमें फिर रिएक्टिविटी सीरीज अप्लाई नहीं होगी सर? नहीं नहीं हेलो हेलो सार्थक, रिएक्टिविटी सीरीज कैसे अप्लाई हो जाएगी चाचा? रिएक्टिविटी सीरीज जब होता है तो ऊपर जब दो मेटल्स को कंपेयर कर रहे हो आप, दो मेटल या नॉन मेटल को। ऑलराइट सर, इसके अंदर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बी आंसर है। ओके
ये देखो सेम सेम कहानी, सेम कहानी इधर आ गई है। ये वाली रिएक्शन आप पूछ रहे थे शायद से, प्रथम जी का। प्रथम आप एक बार पढ़ो इसको। यस सर। सर कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 12। यस सर। व्हाट विल हैपन व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज प्लेस्ड इन द सनलाइट फॉर सम टाइम? ए White silver chloride changes into gray colored compound. B. Decomposition takes place. C. Both A and B takes place. D. Nothing will happen. Okay. So what will happen is silver chloride का जो color होता है AgCl का वो white होता है. AgCl जो है color white. लेकिन अब सनलाइट पड़ी इस पे तो डिकम्पोज हो जाएगा किसमें? एजी। और ये जो एजी होता है इसका कलर होता है ग्रे और क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी। सो फर्स्ट इज व्हाइट एजीसीएल विल कन्वर्ट टू ग्रे सिल्वर, करेक्ट, एंड डिकम्पोजिशन टेकिंग प्लेस। सो ऑप्शन कौन सा रहेगा दोस्तों? चलो ओके, मैं लाइन डाल रहा हूं। ओके बस आंसर। ओके लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, अभी अभी आया था नाइट्रेट। आंसर क्या है? आंसर सी। ए सी एक ही बंदे ने डाला, बाकी तो मेरी बात ही नहीं सुनी। ओ चचा यह ध्यान देख रहे हो, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड चेंज इन टू ग्रे कलर कंपाउंड। मैं वो ए एंड बी के लिए कर रहा है सर, वो गलती से ऑप्शन में नेम मिसप्लेस हो गए। हाँ। और डीकंपोजिशन तो हो ही गया, ये वाला कौन सा डीकंपोजिशन है अपना भव्या? व्हिच टाइप ऑफ डीकंपोजिशन इज दिस? तीन बताए थे ना डीकंपोजिशन, ये कौन सा वाला है भव्या? सर डीकंपोजिशन कितने तरह के बताए थे मैंने अभी भी इसी क्लास में आज? यार तुम लोग अभी ध्यान नहीं तो कैसे काम चलेगा? लिख तो रखा है यहाँ पे, थर्मल इलेक्ट्रोलिसिस एंड फोटोलाइटिक फोटो और सनलाइट से हो रहा है तो क्या हो जाएगा? फोटो फोटो डिकम्पोजिशन। ओके क्वेश्चन नंबर 13 अभी अभी थोड़ी देर पहले आया था अपने पास, लेकिन उसमें फॉर्मेशन दिखाई थी, उसमें क्या था? लेड प्लस लेड लेड ऑक्साइड अपना नाइट्रेट और एक और कुछ तो था KI पोटेशियम आयोडाइड, उनका डिस्प्लेसमेंट दिखाया था अभी। अब वही लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO2 ट्वाइस उसको हीट किया हमने तो ब्राउन फ्लेम निकली एक्स गैस की, कौन सी गैस निकल सकती है लेड नाइट्रेट से? PbNO2 लेड नाइट्रेट है ना, PbNO3 और यहाँ आएगा 2, इसको आपने हीट किया सर NO2। तो दो ऑप्शन है अपने पास, या तो NO2 निकल सकती है या ऑक्सीजन निकल सकती है, बट ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, NO2 निकलेगी, ऑक्सीजन तो कंज्यूम हो रही हीटिंग में। ओके सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। ओके चलो बस अभी आज के लिए इतना, ये मैं क्वेश्चन अभी सारे भेज रहा हूँ आपको इससे पहले कि मैं भूलूँ, मैं अभी कभी इसको तुम लोगों को भेज रहा हूँ, इसको करना बैठ के, अभी करना बैठ के। या मीट ग्रुप में डाल दे रहा हूँ अभी, करता हूँ तुम्हारे, बाकी नंबर ऐड नहीं किया मैंने, बाकी में कर दूंगा। ये तो क्या है नंबर होगी, तुम तो हलचल बचा रखी है, चार नंबर ऐड करवा चुके हो तुम अब तक। सर मैंने और कहाँ नंबर दिया? अरे 5-6 नंबर तेरे घरे ग्रुप के अंदर पड़े हुए हैं। अरे सर वो एक तो मेरा 88510 वाला सर वो हटा दूंगा मैं, वो मेरा पुराना नंबर है। सारे वो नंबर एक्सेप्ट कर जाना। ये सर एंड मम्मा पापा का है बाकी।
अबे कहाँ है, ये रहा ये, हाँ हाँ ये रहा आ गया, चलो ओके। मैथ साइंस ओके ओके, पोस्ट कर दिया मैंने मीट ग्रुप में, गो थ्रू दिस ओके गाइस। चलो कल मिलते हैं अपन नए उसके साथ, देखते हैं कल क्या करेंगे साइंस। एक कोई कोई कल कोई क्वेश्चन पेपर का डाउट अभी तक आपने क्लियर नहीं किया था इसका, कौन सा वाला सर? मैंने आपको बताया नहीं था कि इसमें मार्क्स नहीं मिले थे, सॉरी क्वेश्चन। हां तो मैंने क्या बोला, तूने सुना नहीं अचिंत्या? सर सुना था सर, आई सेड वी विल डिस्कस द कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, दैट विल दैट टाइम आई विल क्लेरिफाई योर डाउट। ओके अचिंत्या, ओके सर, चलो बाय। Greetings, sir. Thank you, sir. Good evening, sir.